देखिए आज का डेट पे मैंगो खत्म होने को आया है और इसमें कितना ज्यादा मात्रा पे मोर लगा हुआ है। आप देखिए इसका जो फ्लावरिंग है कितना मस्त लग रहा है। वेलकम टू थाई प्लांट नर्सरी। थाई प्लांट नर्सरी का यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आपको जो वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ, ये है ऑल टाइम मैंगो, यानी जो बारामासी मैंगो है उसका जो हमारा मदर प्लांट है वो हम दिखा रहा हूँ, और उसका पौधा कैसा बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा 4 साल का पेड़, और इसको हम लेटा के इससे हम पौधा बना रहे हैं। ये देख लीजिए, ये सारा इसमें हम ग्राफ किया हुआ है। और ये देखिए पूरा पौधा में ग्राफ्ट किया हुआ है। और ये जो वैरायटी है ये बारामासी मैंगो है। तो ये जो वैरायटी है इसका जो मेन खासियत है, इसमें 12 महीना फल चालू रहता है। जैसा आप देख सकते हैं इसका जो फल है वो हम तोड़ लिया है, और यहाँ पे देखिए मोर नहीं है। इस पेड़ से अभी मोर आएगा। ये देखिए छोटा मोर, ये देखिए उससे थोड़ा बड़ा मोर, ये उससे बड़ा। और ये सब अभी फल बन रहा है। तो इसमें 12 महीना चालू रहता है ऑल टाइम में। और भी वैरायटी है, कोई ऐसा भी है जो साल में 2 बार फल देता है, मगर इसमें जो है 12 महीना एकदम फल चालू रहता है। आप और ये जो पौधा है, ये जो मैंगो का लोकल वाला वैरायटी है उससे बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जो मैंगो का सीजन होता है, सीजन में तो इसका रेट रहता है लगभग 30 रुपया, 28 रुपया, 25 रुपया, कई कई जगह में 40 भी मिल जाता है। मगर ये जो ऑफ सीजन में आता है, इसीलिए इसका फ्रूट होलसेल में 80 से 100 रुपया में आराम से बिक जाता है। तो किसान लोगों से एक ही विनती है, आप अगर मैंगो का कमर्शियल तौर पे खेती करना चाहते हैं तो 12 मासिक का करिए, क्योंकि इसमें क्या है आपको 12 महीना इससे इनकम मिलेगा। जो सीजन वाला वैरायटी है उसमें क्या है, आपको जितना इनकम देगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको इनकम मिलेगा। और आपको ये जो ऑल टाइम है, ये पेड़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, इसीलिए इसके अंदर आप दूसरा भी कोई कोई फसल भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ से इनकम है। और अभी आज का जो डेट है 24 अप्रैल 2021, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें आज का डेट पे तो जो सीजन वाला मैंगो है उसका साइज बहुत ही बड़ा हो गया है, मगर इसमें देखिए कितना ज़्यादा मात्रा पे मोर आया हुआ है। और अभी नया मोर आ रहा है, नया पत्ता आ रहा है। और दोस्तों इसमें देखिए इसका अंदर काफ़ी घास हो गया है, इसके लिए अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। और एक घास साफ करने जाऊँगा तो प्लांट में काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि ये देखिए हम इसका ग्राफ्ट किया हुआ है पेड़ पे ही, देख लीजिए। इसके लिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है हमको दिखाने में, जब इसका घास साफ हो जाएगा तब एक वीडियो कर दूंगा। और ये देखिए इसमें अभी ग्राफ्ट करना बाकी है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा पे मोर लगा हुआ है इसमें। और इसका आप कमर्शियल तौर पे करेंगे तो बहुत ही अच्छा इनकम मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मली वैरायटी है आम्रपाली, मल्लिका, सुवर्णरेखा, हिमसागर
और आपका चौसा, लंगड़ा, केसर, उससे कहीं गुना ज़्यादा इनकम आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि जब ऑफ सीजन में मार्केट में आएगा तो आपको रेट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर कमर्शियल तौर पे मैंगो का करना चाहते हैं खेती, तो ऑल टाइम वैरायटी का करिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों, अभी जितना दिखाया है ये तो हमारा मदर प्लांट है, और इसका पौधा जो रेडी पौधा होता है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। इसके लिए वीडियो का एंड तक देखिए, आप देख सकते हैं। और इसको ऊपर से दिखाता हूँ कितना मस्त लग रहा है। देखिए, सभी पेड़ में एकदम मोर से भरा हुआ है, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें मोर नहीं है। और इसका जो खासियत आपको तो बताया, 12 महीना एक की जैसा फल रहता है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिस टाइम में इसमें फल नहीं रहता है, एकदम 12 महीना चालू रहता है। और ये देखिए, ये जो प्लांट है आपको दिख रहा है, यही प्लांट हम दूसरा किसान भाइयों को सेल करते हैं। और अब देख लीजिए, इतना छोटा छोटा प्लांट है, 2 फीट 1.5 फीट हाइट है, और इसमें फ्लावरिंग पे है। देखिए, छोटा फल है और नया फूल भी है, इधर भी आप पूरा देख सकते हैं, यही प्लांट हम देते हैं। ये प्लांट आप भी अगर मंगाना चाहते हैं तो आप हमारा साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट नंबर लेके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल इंडिया का हर स्टेट में पौधा भेजते हैं ट्रेन के थ्रू, आप भी मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो देख के अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और वीडियो को दूसरा किसान भाइयों को व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर करिए। और आप हमारा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।